वही कांग्रेस के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान, वो भी फिलहाल पूरे कॉन्फिडेंस में, और वो कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हरियाणा सरकार में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। हाँ? कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में 10 के 10 सीटें जीतने जा रही है, विधानसभा में 70+ हमारा रहेगा। उदयवान साहब, बात आप सही कह रहे हो, पर लोगों ने वो भी देखा था पाछे से कि जो कांग्रेस में चल रहा था, घमासान गुसंडम गुसंडा जूतम जूता, वो भी लोगों ने देखा था, जिसने भी देखो हाउस दा जोश बलिया हाई सर। बस बस विकास भाई, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। क्या कह रहा है बावड़ी बूचे? वाला कह के तने मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आप पार्टी के नेता अशोक तंवर। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब अपने घमंड में इतने चूर हैं कि उन्होंने ना अब तक संगठन बनने दिया ना बनाया, और वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं एक तरह से कांग्रेस का। रस्सी जलगी बल नहीं गए, रस्सी जलगी बल नहीं गए, रस्सी जलगी बल नहीं गए। अच्छा अच्छा अच्छा, यह बात थी कि माना लगे भाई मेरे तो कहने लग रहा है, चल चल मतलब कोई बात नहीं, ठीक से ठीक से। अच्छा तेरे कान पकड़ के सॉरी मेरे को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसको लेकर कहा कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत की दुकान में लात घुसों का प्रसाद बट रहा है। कांग्रेस में तो घर में ही जूतम पंजेर चल रही है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद बट रहा है। प्रसाद तो बट रहा है, लात घुसे का गुटबाजी घुसंडबाजी तो चल रही है। पर मैंने सुनी थी अरे धनखड़ साहब की मनसा और बटन लाग रही है। बिल्कुल बढ़ रही है मनसा तो विकास भाई, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में उनकी हार हुई पिछले चुनाव में, उसके बाद ही बीजेपी ने उनके ऊपर लाड़ प्यार दिखाया और उनको मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद हरियाणा में दिया है, और अब की बार अगर जनता चाहेगी तो वो सीएम भी बन सकते हैं। पार्टी ने खूब प्यार दिया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन भाई 1 नंबर आने के चक्कर में बैठे जाऊं, जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती, समझ गया? पकड़ के हाथ पकड़वा बात बोली भाई, मतलब इलेक्शन आ रहे थे फिर भी बीजेपी वाले ने पद दे दिया, अरे मनसा और बढ़ने लगी है, इब तक काका का ही पत्ता काटना हो रहा हमारा बेटा। 16 आने सच्चा विकास भाई ये बात तो, लेकिन वही कांग्रेस की जो नेता है कुमारी सैलजा, उन्होंने गुटबाजी पर कहा कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो कार्यकर्ता उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, वरना कहीं भी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, यहाँ पर हम सब अपनी अपनी बात रखते हैं। हाँ बात सही कह रहे हो मैडम जी, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई घुसंडबाजी नहीं है, मतलब कांग्रेस वाले आराम से प्यार से मिल बैठ के गड़बाई भर के और आपस में प्यार से मतलब बात करने लग रहे हैं। अगर जी मारा नाम ले लो, हमने टिकट दे दो, मारा सीएमयू से और मारा सी, कोई कोई गुटबाजी नहीं। ठीक कह रहे हो। वैसे विकास भाई आप पेन किलर कब लेते हैं? पेन किलर भाई जब भड़क बैठ जा, सरदर्द पटन हो जा, अरवत्री भाभी दापली भड़क बिठा दे, सरखाई जा, फिर मतलब थका रखा मैंने पेन किलर लेनी पड़े। पर तू यह बात क्यों बुझ जैसे? ये बात मैं नहीं कह रहा विकास भाई, ये हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पत्नी है आशा हुड्डा वो कह रही है, वो ये कह रही है वो झज्जर जब भी जाती है तो रोड इतना खराब है कि उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, और घर आने के बाद उनका पूरा शरीर जो है या फिर सिर दर्द है वो रहता है, तो उन्हें पेन किलर लेनी पड़ती है। मनोहर सरकार ने फिर पिछले 9 साल में गड्ढे ही गड्ढे दिए और कुछ नहीं दिया। मैं रोहतक जाती हूँ ना, तो मुझे रात को कमर दर्द की गोली लेकर ही लेटना पड़ता है, सड़क ढूंढने से नहीं मिलती, केवल और केवल गड्ढे हैं। आज की सरकार को आप कितने नंबर दे रहे हैं? Oh, no. बहुत बड़ा 0। गड्ढे गड्ढे तो सड़क में रहे हैं भाई, बात तो ठीक है, मतलब सरकार ने भी गड्ढे 9 साल में भी भरने में मतलब टाइम ला रखे, भरे नहीं गए हैं। बाकी कांग्रेस के टाइम में भी कोई रोड अमरीका वाले ना थे भाई, जब भी उड़ीसा में पट्टे हंडे थे, जब भी खाचला में दही अचकोले खावे थी। वही हरियाणा बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर ने जो कांग्रेस है उसकी गुटबाजी को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर एक कटाक्ष किया, उन्होंने कहा कि जो खुद की पार्टी नहीं संभाल पा रहे वो गठबंधन में दूसरी पार्टियों कैसे संभालेंगे। ऐसे कई लक्षण तो दिखाई नहीं देते जहाँ एक पार्टी को चलाना मुश्किल रहा कांग्रेस के लिए, उसमें ही उसे गठबंधन करना पड़ेगा, तो अन्य पार्टियां जो बाहर है उनके साथ कैसे चलेगी, मुझे समझ नहीं आती। बात तो सही है यार, अपना कुण बात संभालदा नहीं, दूसरे ने क्या संभालोगे?